नमस्कार। मधुमक्खियां हमारी पृथ्वी के लिए क्यों जरूरी हैं, इस वीडियो के भाग दो में आपका स्वागत है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले भाग में हमने मधुमक्खियों के बारे में बहुत कुछ जाना और अब देखते हैं भाग दो। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ नया सीखें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। आइए स्क्रीन पर देखते हैं मधुमक्खियों द्वारा परागित की जाने वाली मुख्य फसलें। भिंडी, कीवी फल, आलू, प्याज, काजू, अजवाइन, आर्बोटस, स्टार फ्रूट, ब्राजीली अखरोट, चुकंदर, सरसों, रैपसीड, ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रूसेल्स स्प्राउट, चाइनीज गोभी, सलजम, कनोला, पिजन पी, कैजन पी, कैंगो बीन, जैक बीन, हॉर्स बीन, स्वॉर्ड बीन, चिली पेपर, रेड पेपर, बेल पेपर, ग्रीन पेपर, पपीता, कुसुम, जीरा, शाहबलूत, तरबूज, ऑरेंज, ग्रेपफ्रूट, टेंजेलो, नारियल, काफिया, काफिया अरेबिया, काफिया कैनेफोरा, धनिया, क्राउन वेट, एजेरोल, खरबूजा, खीरा, स्क्वैश, कद्दू, लौकी, मज्जा, तोरी, ग्वार बीन, गोवा बीन, क्विंस, लेमन, लाइम, गाजर, हियासिन बीन, लौंगन, खुरमा, इलायची, लोकाट, ब्लैक वीट, फिजुआ, सौंफ, स्ट्रॉबेरी, कपास, सूरजमुखी, सन, लीची, ल्यूपिन, मैकडामिया, एसेरोला, सेब, मैमी एप्पल, आम, अल्फाफा, रामबुटान, कैक्टस, कांटेदार नाशपाती, सैनफोइन, पैशन फ्रूट, एवोकाडो, लाइम बीन, किडनी बीन, हैरिकोट बीन, आजुकी बीन, मुंगो बीन, स्ट्रिंग बीन, ग्रीन बीन, स्कारलेट रनर बीन, आलस्पाइस, खुबानी, मीठी चेरी, खट्टी चेरी, प्लम, ग्रीनेज, मिराबेल, स्लोई, आलमंड, पीच, नेक्टराइन, अमरूद, अनार, नाशपाती, ब्लैक करंट, रेड करंट, रोज हिप्स, डॉग रोज, बॉयजबेरी, रेस्बेरी, ब्लैकबेरी, एल्डरबेरी, तिल, बैंगन, नरंजिला, रोवनबेरी, सर्विस ट्री, हॉग प्लम, इमली, क्लोवर, वाइट क्लोवर, अल्साई क्लोवर, क्रिम्सन क्लोवर, रेड क्लोवर, एरो लीफ क्लोवर, ब्लूबेरी, क्रेनबेरी, ब्रॉड बीन, वेज, काऊ पी, ब्लैक आइड पी, कैरेट, टमाटर, अंगूर, जुजुबी आदि। तो अब आप जान चुके हैं कि आपके जीवन में उपयोग होने वाली बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन में मधुमक्खियों का हाथ होता है, या यूं कहें कि मधुमक्खियों का पैर होता है। अब हम आगे जानेंगे कि
क्या मधुमक्खियों के बिना कोई भी फसल पैदा नहीं हो सकती? कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका पॉलिनेशन अपने आप हवा से ही हो जाता है, जैसे मकई, गेहूं, चावल, सोयाबीन, ज्वार। ऐसी और भी फसलें हैं, इन्हें कीड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां और जड़ों वाली फसलें भी बिना पॉलिनेशन के ही हमें फसलें दे देती हैं, पर बीज उत्पादन के लिए इनका भी पॉलिनेशन जरूरी होता है। क्या मधुमक्खियों के बिना पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा? जमीन पर रहने वाले सभी तरह के जीव जंतु और मनुष्य शाकाहार या मांसाहार जो भी खाते हैं, वो सब खाद्य पदार्थ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। यदि मधुमक्खियां खत्म हो जाएं, तो पॉलिनेशन की कमी हो जाएगी। वैसे तितलियां, चींटियां, भौरे, कुछ पंछी, छोटे जानवर आदि पॉलिनेशन करते हैं, पर मधुमक्खियों जितनी बड़ी मात्रा में नहीं। और कुछ पॉलिनेशन तो हवा से भी हो जाता है, इसीलिए मधुमक्खियों के ना होने पर नुकसान तो बहुत होगा। पेड़ पौधों की कई प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, बहुत से जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे और कुछ जीव नए अनुकूलन के साथ जीना सीख जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग और बहुत से असंतुलन पैदा होंगे। कुछ ही वर्षों में पर्यावरण पर बहुत ज्यादा असर होगा और स्थिति बहुत गंभीर और भयंकर हो जाएगी। ना पशुओं को पर्याप्त चारा मिलेगा और ना ही मनुष्यों को पर्याप्त भोजन। लेकिन पृथ्वी से जीवन पूरी तरह नष्ट नहीं होगा, पर फिर भी ये छोटा सा जीव हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या यूं कहें कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और जब कभी भी आप इसे कहीं आसपास देखें, तो इस बात पर गौर करें कि ये छोटा सा दोस्त सिर्फ शहद ही नहीं बनाता, बल्कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन पॉलिनेटर है और आपके घर की ज्यादातर खाने वाली चीजें इसी की मदद से बनी है। मधुमक्खियों का जीवन खतरे में क्यों है? अचानक से ये देखा गया कि कई जगहों पर मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी ही मरने लगी, यानी एक छत्ते की सारी मधुमक्खियां अचानक मरने लगी या गायब होने लगी। वैज्ञानिकों ने इस समस्या को CCD यानी कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर नाम दिया। जांच के बाद पता चला कि लोग अपने गार्डन और खेतों में कीड़ों को मारने के लिए जो रासायनिक दवाइयां डालते हैं, वे केमिकल फसलों के फूलों से मधुमक्खियों के साथ उनकी कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं और पूरी कॉलोनी को बीमार कर देते हैं और पूरी कॉलोनी की जान चली जाती है। इस समस्या को हम इंसानों ने ही जन्म दिया है। इंसानों द्वारा पेड़ पौधों और जंगलों को नष्ट करने से भी इनके रहने लायक ज्यादा जगह नहीं बची हैं। साथ ही पेड़ पौधों की कमी होने से इन्हें फूलों का रस भी कम मिल पाता है, और यदि आज इन मधुमक्खियों को कम भोजन मिलेगा, तो निकट भविष्य में समस्त जीवों को भी कम भोजन से गुजारा करना पड़ेगा। मधुमक्खियों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। मधुमक्खियों की एक कॉलोनी या एक छत्ते में लगभग 50,000 या अधिक मधुमक्खियां हो सकती हैं। इस कॉलोनी में तीन तरह की मधुमक्खियां होती हैं, रानी, नर और श्रमिक। श्रमिक भी फीमेल ही होती हैं, पर वे अंडे नहीं देती। जो मधुमक्खियां आपको फूलों से रस निकालती हुई दिखाई देती हैं, वे श्रमिक मधुमक्खियां ही होती हैं। वैसे तो विभिन्न प्रजाति की मधुमक्खियों की उम्र अलग अलग होती है, लेकिन साधारण श्रमिक मधुमक्खियों की उम्र लगभग 45 दिन होती है और रानी की उम्र लगभग 5 साल। सिर्फ रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है, एक दिन में करीब 2000 अंडे। मधुमक्खी उड़ते समय एक सेकेंड में लगभग 230 बार पंख फड़फड़ाती है। तो यहाँ हमारे वीडियो के दोनों पार्ट खत्म हो रहे हैं। ये वीडियो दो भागों में बनाया गया है और ये पार्ट 2 है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, तो पहले उसे देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हमने मधुमक्खियों और हमारे पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जाना, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे इन ग्राफिक्स और मॉडल से आपने आज बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। और हमें कमेंट कीजिए यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो और भी जानकारी भरे वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।